जब आप आइडियल स्फीयर्स की क्लोज पैकिंग करते हो तो उसमें बनने वाली यूनिट सेल के अंदर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एज लेंथ और रेडियस ऑफ द स्फीयर आप कैसे मालूम कर सकते हो? नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बताओ भाई, अब बताओ मैं क्या पढ़ना है, बोलो भाई। नियरेस्ट नेबर्स, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर इन क्यूबिक सिस्टम्स, क्या भाई? बोलो भाई, ये कहता है नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, देखो और ये बताओ कहाँ पर होता है, ये होता है एलिमेंट्स के इसमें, ऐसा भी और कहाँ पर होता भाई एलिमेंट्स के, क्योंकि एलिमेंट्स में आपको पता है, बताओ वहाँ पर क्या होता है, वहां पर जो लेटेस्ट पॉइंट होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, एक एटम भाई, वहां पर लेटेस्ट पॉइंट क्या होता है, एक एटम की तरह, एक एटम ही तो होता है वहां पर, तो भाई ठीक है बात। तो यहां पर आपने पता करना है कि किसी यूनिट सेल की, अरे भाई किसी यूनिट सेल में, अरे भाई कोई भी क्रिस्टल बनता कैसे है, कोई एलिमेंट होता, मान लिया सोडियम मेटल है, को सोडियम मेटल किससे बनी, किससे मिलकर बनी होगी, सोडियम के एटम्स के रिपीटेटिव अरेंजमेंट से, तो दो सोडियम एटम के बीच की कम से कम दूरी क्या क्या होगी, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, ठीक है बात। और फिर इस रिपीटेटिव अरेंजमेंट की जो यूनिट सेल उसके साइड हम क्या बोलेंगे, एज लेंथ, क्या बोले भाई, एज लेंथ, नहीं बात आपको पहले पड़ी। और फिर आपने देखना है कि सोडियम का जो रेडियस है, सोडियम का क्या है रेडियस, वो कैसे जुड़ा हुआ है सोडियम की यूनिट सेल से, सोडियम का रेडियस कैसे जुड़ा हुआ है सोडियम क्रिस्टल की यूनिट सेल से और नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस से, समझ की बात भाई। तो यहां पर हमने इसको बांटा तीन सेक्शन में, पहले हम पढ़ेंगे बताओ क्या, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, फिर क्या फेस सेंटर्ड, फिर क्या बताओ भाई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, तो पहले किसमें पढ़ते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। और ध्यान रखिए भाई, क्योंकि अगर सिर्फ मैं बात करूँ स्फीयर की, तो इसका काउंटर पार्ट कौन होता है एटम लेवल पे, एटॉमिक सिस्टम, एलिमेंटल सिस्टम, क्या आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो एलिमेंट्स के रेडियस मालूम करने के लिए, क्या सोडियम एटम का मेटालिक रेडियस मालूम करने के लिए, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो बताओ भाई, तो आप ये बताओ, अगर मान लिया जो लैटिस पॉइंट है वो स्फीयर है, वो बाकायदा एटम्स है, बाकायदा क्या है वो एटम्स है, ओके तो आप ये बताओ कि सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, सिंपल क्यूबिक में तो आपने भाई तीन चार चीजें मालूम करनी है। सबसे पहले आपने बात करना है डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर, क्या डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर, तो बताओ भाई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, बोलो भाई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर बताओ क्या होता है, बताओ पार्टिकल सिर्फ कहां पर होते हैं भाई, एटम सिर्फ कहां पर होंगे, अगर अगर यहां पर जो इलेक्ट्रिस पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करते हो, एटम्स को, ठीक है बात, तो सिर्फ कहां पर होंगे, ये कॉर्नर पे होंगे ना कि नहीं होंगे भाई। अब ये तो भाई मैंने सिंपल है, तो मैंने लेटेस्ट पॉइंट शो किए हैं, लेकिन आपको पता है हर लेटेस्ट पॉइंट की जगह पे वास्तव में क्या एक एटम होगा, तो भाई चार एटम यहां रखो, चार यहां, चार यहां और चार यहां, साइड में आप तो साइड से देखो, साइड से, इसलिए आपको इसमें आपको ये मर्ज हुए नजर आ रहे हैं, नहीं तो मर्ज नहीं होंगे। इसको मैं ऊपर से देखूंगा भाई तो मुझे क्या नजर आएगा, मुझे एक दो तीन और चार एटम पे, मुझे ऐसा नजर नहीं आएंगे इन चार लेटेस्ट पॉइंट पे, अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, समझ गए बात। तो ये तो क्या है, यूनिट सेल का बेस हो गया ना हमारे पास ये, तो ये बताओ लेंथ क्या हमारे पास, ए लेंथ मेरे पास क्या भाई, ए, और ये बताओ क्या है आर, ये क्या है आर, तो आपने भाई हर चीज आपने एक ही टर्म में निकालनी है, पहले आप कैलकुलेट करो डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर, क्या बताओ डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर क्या बताओ भाई, अरे ऊपर चार इसके और भी है, तो ये डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर, तो डी बताओ किसके बराबर आई मेरे पास, यहां पर आर और आर, क्या भाई दो, उनका दो सोडियम एटम का रेडियस जुड़ जाए
तो क्या बन जाएगा, जिस डिस्टेंस में एस्टीमेट आ जाएगी ना, तुम क्या बोलेंगे, डी इज इक्वल टू टू आर, इजंट इट, तुम क्या बोलेंगे, डी इज इक्वल टू टू आर। अच्छा बताओ भाई, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर भी आएगा टू आर आ गई, ओके। और आप ये बताओ भाई, अब अगर मैं ये कहूँ ये जो साइड है ये भी बताओ भाई, बताओ किसके बराबर होगी, तो सॉरी अगर डिस्टेंस हो तो बताओ, और बताओ भाई यहाँ पर जो आर आएगा और भैया जो टू आर है ये बताओ किसके बराबर, ए के बराबर। भैया आपने आपने दो चीज़ें निकालनी हैं, एक तो आपने तो बताओ क्या निकालना है, एक तो डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर, तो दो एटम जहाँ जुड़ते हैं डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर हमेशा क्या होगी बताओ, टू आर ही होगी भाई, जहाँ पर एटम आपस में जुड़ेंगे भाई, तो उनके रेडियस क्या होंगे आपस में, डबल हो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर। लेकिन आप मुझे बताओ भाई, अब ये जो टू आर होगा क्या ये सिर्फ डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर के बराबर होगा कि ये साइड के बराबर होगा, तुम क्या बोलेंगे कि टू आर सिर्फ और सिर्फ डी नहीं है, टू आर यहाँ पर ए भी है, इजंट इट। बोलो भाई, चलो आपको, चलो हम तो इसको एक ही टर्म में निकाल रहे हैं, ठीक है, बोलो भाई, तो यहाँ पर आर क्या है मेरे पास, आर क्या आएगा, तो टू आर क्या है मेरे पास, ए, तो आर मेरे पास क्या आया, ए बाई टू आ गया भाई, तो मेरे पास तो आर क्या भाई, ए बाई टू, बात आपको पहले पढ़ रही है, तो डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर टू आर, और भाई मैं एक ही टर्म, अगर मैं इसको भी एक ही टर्म लिखना चाहूँ तो, अगर मैं ये कहूँ कि भाई मुझे तो दोनों किसकी टर्म लिखनी है, एक ही टर्म लिखना है, वो तो क्या बोलूँगा मैं, तो डी इज इक्वल टू टू आर था ही था, और भाई ए भी बताओ क्या था मेरे पास, टू आर था, ए भी तो मेरे पास क्या है, टू आर है, तो बताओ भाई आप डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर क्या गया, टू आर, और आर यहाँ से क्या गया मेरे पास, ए बाई टू आर। आसान है कि मुश्किल भाई, अरे बोलो भाई, तो बताओ D इज इक्वल टू, अरे भाई और मैं भाई, तो R को मैंने किस में रिप्रेजेंट कर दिया भाई, R को मैंने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, और मैं D को भी भाई एक ही टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो बताइए क्या हुआ, तो भाई टू आर क्या A होता है, तुम क्या बोलेंगे, D क्या आ गया, अरे मैं इनको कैसे लिख लो, बात ये है सिंपल बात आ गया ना पूछूँ मैं, तुम क्या बोलेंगे, तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर भी आ गई, और हमारे पास भाई रेडियस भी आ गया, एटम क्या ए बाई टू से। अच्छा यहाँ से भाई, अच्छा कोई आपको, अगर आपको भाई ए बता रखा हो डी पूछ ले बराबर, डी बता रखा पूछ ले बराबर, अगर डी बता रखा हो, बोलो भाई नहीं समझे बात, अगर डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट, इसमें आपको आपसे कुछ पूछा आप उसमें, क्योंकि इसमें भी ये और इसमें भी ये है, ठीक है बात, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मान लिया अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपको इनमें से कोई भी एक पैरामीटर बता के दूसरा पूछ लेना, तो आपको मालूम करना चाहिए, कोई बता दे भाई कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर ये है, बताओ उसकी एज लेंथ क्या होगी, सॉरी ये है एज लेंथ, ए आ गई, कोई बोल दे डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर की ये है, बताओ रेडियस क्या होगा, आपको हो गया रेडियस ए बाई टू होता है, अरे डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर की नेबर क्या है ये बता रखिए ना, रेडियस क्या होता है ए बाई टू, तो ए की वैल्यू यहाँ से था कि यहाँ पुट कर दो, डी बाई टू आ गया भाई, मेरे से कितने ऐसे भाई फॉर्मूले बढ़ते खम खा बढ़ेंगे फॉर्मूले, ये दो फॉर्मूले क्या होते काफ़ी होते हैं, और नहीं तो मैं क्या कहूँगा आर इज इक्वल टू ए बाई टू भी, अब ए बराबर डी के आर इज इक्वल टू डी बाई टू भी, नहीं बात आपको पहले पड़ी, बस मैं कह रहा हूँ कि डी ए आर, डी ए आर इनमें से कोई भी एक बता के दूसरा आपसे पूछ ले, आपको उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अच्छा कोई आपको बता दे कि कोई एलिमेंट है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जाता है, क्या कोई एलिमेंट क्या बनाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उस एलिमेंट का एटम जो होता है उसका रेडियस ये है, बताओ इसकी एज लेंथ क्या होगी, तो आपको क्या बता रखा, क्या बता रखा आपको रेडियस, तो क्या गया मेरे पास टू आर, नहीं आपको भाई आपसे पूछ लेना, ये बताओ भाई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या आएगी, आपको गए आर बता रखा है, डी का तो फॉर्मूला ए का है, अरे भाई पहले ए निकाल लो यहाँ से वो फिर यहाँ पुट कर दो, क्या है मेरे पास, तो यहाँ से दो आर, आर क्या होता है ए बाई टू, ए क्या होता है टू आर, तो डी क्या हो गया मेरे पास टू आर आ गया भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, तो डी ए आर में से एक बता के दूसरा आपसे पूछ लो कोई भी, तो आपको मालूम करना चाहिए सिंपल क्यूबिक में भी इनमें म्यूचुअल कोरिलेशन होती है,
आसान है कि मुश्किल भाई? तो मैं सिर्फ दो फॉर्मूले लिखा करूँ, कौन कौन से, डी का और आर का, क्योंकि इनको आपस में आप कंबाइन कर सकते हो कई तरीके से। इजंट इट, आया कि नहीं आपको ये? ओके, अब बताओ भाई हमने क्या पढ़ना है, बताओ उसके बाद क्या बताइए भाई। एक था सिंपल क्यूबिक का, एक था भाई सिंपल क्यूबिक का, अब बताओ क्या भाई, फेस सेंटर्ड, क्या हमारे पास फेस सेंटर्ड, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड में आप भाई म्यूचुअल कोरिलेशन निकालो, किसमें, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर्स और एज लेंथ, और भाई बताओ डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर, एज लेंथ और रेडियस, ठीक है बात, बताओ क्या है हमारे पास। तो भाई फेस सेंटर्ड होता क्या है भाई, फेस सेंटर्ड ऐसा होता ना कि एक क्या होती है यूनिट सेल, उसमें पार्टिकल्स कहाँ होते हैं बताओ भाई, बोलो भाई पार्टिकल्स कहाँ होते, कॉर्नर पे और कहाँ होते बताओ भाई, सभी फेसेस पे, एक दो तीन चार पाँच और छः, हो गया ना सभी फेसेस पे। तो आप ये देखो भाई, और इसकी एज लेंथ क्या है ए, आप क्या हो रहा बताओ आप इसके भाई, आप इसके फर्श पे पार्टिकल देखो कितने हैं, एक दो तीन और चार। इस यूनिट सेल को आप भाई टॉप डाउन देखो, बोलो भाई इसको अगर हम भाई ऊपर से नीचे अगर देखें तो मुझे एक दो तीन चार पाँच ये नजर आए मुझे भाई, बताओ क्या, और यहाँ पर क्या रखो, लेटेस्ट पॉइंट क्या रखो, स्फीयर, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल क्या रखें, एटम्स, तब बताओ क्या है मेरे पास, तो हम क्या बोलेंगे, एक दो तीन, तो ऐसा नहीं है हमारे पास ये, बोलो भाई ध्यान से, तो आपको नजर आ गया भाई, तो ये तो क्या हो गया हमारे पास एज लेंथ, ध्यान से देखो भाई, अब की बारी यूनिट सेल के एज के लोग कौन नहीं मिल रहे, इस पे एटम और इस पे एटम आपस में टच नहीं कर रहे, एटम टच बताओ कहां कर रहे हैं, डायगोनल के लोग भाई, एटम टच कहां कर रहे हैं भाई, डायगोनल के लोग, इजंट इट, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी, एटम भाई कहां पर टच कर रहे हैं, डायगोनल के लोग, ठीक है बात। तो बताओ भाई आप ये बताओ कि आपने कैलकुलेट क्या करना है, एक ही टर्म में आपने कैलकुलेट करने डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर भी, और आपने भाई एक ही टर्म में क्या कैलकुलेट करना, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर भी और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट, अरे तो वही हो गया, वो क्या था, रेडियस, क्या भाई, रेडियस, इजंट इट, वो तो क्या है मेरे पास, बोलो काम करो आप, पहले आप यहां पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालो, आप कैसे आइए बताओ भाई, तो हम क्या बोलेंगे, अरे बोलो आप कहोगे भाई ये क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बोलो 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 भाई क्या भाई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मेरे पास ये नहीं है क्या, यानी कि यूनिट सेल का जो बेस है, अरे यूनिट सेल जो एक फेस है उस एक फेस की डायगोनल जो होती है उसका मैं क्या कर दूं, आधा क्या है भाई, एक फेस की इस डिस्टेंस का हाफ एक फेस की जो डायगोनल है, कि हमने देखो यहां पर भाई ये टच नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं टच कहां कर रहे हैं, ये किसी फेस के डायगोनल के अलोंग, इजंट इट, और यहां पर भाई उस डायगोनल में तो क्या है, बताओ यहां पर क्या है, आर 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 बचार आर, यहां पर नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी, तो ये गैप कितना हमारे पास, तो भाई हमको तो इस डायगोनल का हाफ करना पड़ेगा, तो ये क्या डिस्टेंस दो एटम के बीच दूरी हुई, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमेशा क्या होती है 2r के बराबर, क्या होती है हमेशा 2r, d हमेशा क्या होती है 2r होती है, लेकिन मैं बताओ भाई हमको d किसके टर्म में चाहिए, एक ही टर्म में, तो बताओ क्या है? अब ये साइड क्या है a और ये साइड क्या है, अरे भाई ये भी क्या है a और ये भी क्या है a, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ कैपिटल a कैपिटल b और कैपिटल c, तो बताओ भाई ए सी स्क्वेयर क्या आएगा मेरे पास, तो ए सी स्क्वेयर क्या है मेरे पास, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, तो ये साइड अगर बी बी ए भी कितना है ए और ये भी कितना है ए, और वो तो क्या है हम क्या बोलेंगे ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, तो ए सी स्क्वेयर ए सी मेरे पास क्या आ गया ए स्क्वेयर स्क्वेयर टू ए स्क्वेयर का रूट, क्या आ गया रूट टू ए आ गया ना भाई, तो ये बताइए लेंथ क्या, तो ये स्मॉल ए स्मॉल ए ये क्या है रूट टू ए, तो भाई रूट टू एक हाफ करी हो, तुम क्या बोलेंगे तुम क्या बोलेंगे भाई, बताओ डी यहां पर क्या, डी वास्तव में क्या है यहां पर, डी बताओ यहां पर क्या होगा, ए सी का हाफ होगा ना, क्या होगा ए सी का हाफ, तो क्या आ गया रूट टू बाई ए बाई टू, कितना आ गया ए बाई रूट टू, इजंट इट,
आ गया ना भाई। अब बताओ, अब आपने क्या कैलकुलेट करना बताओ भाई, रेडियस। क्या रेडियस वो बताओ, क्या अब आर क्या होता हमारे पास, अब बताओ डी क्या होता हमेशा, बल्कि आप बताओ आर क्या होता हमेशा, डी बाई टू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट सपोज का हाफ होता है। अब डी भाई आंसर था कि आप उठ खड़ी हो क्या, ए बाई टू रूट टू, तो ए बाई टू रूट टू क्या आ गया, रेडियस। बोलो भाई, अरे क्या मेरे पास क्या आ गया, ए बाई रूट टू, नहीं बोल रहे हम बेटा। बोलो अब यहां भी आप भाई कुछ भी आप भाई कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ भी। बोलो भाई आप यहाँ भाई कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो कोई आप कोई ए बता दे भाई, तो कोई बोल दे फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में ए इतना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या आएगी, ए इतना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या आएगी, उसे एक रूट से भाग कर दियो। कोई बोल देना बताओ भाई रेडियस ऑफ एटम इतना है, कोई पूछे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दे भाई कि एक एटम है इस रेडियस का, अगर ये फेस सेंटर्ड लैटिस में जाए तो बताओ यूनिट सेल का एज क्या बनेगा। अरे बोलो भाई आर आपको पता है, यहाँ पुट कर आर पुट कर दो, क्या क्या मेरे पास नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या, असा ऐसे क्वेश्चन आप सारे कर लोगे ना कि नहीं आपको, ये अब बताओ मैं क्या पढ़ना है सिमिलरली किसके लिए। तो अब आपको क्या निकालना है, बॉडी सेंटर्ड लैटिस के लिए, क्या बॉडी सेंटर्ड बोलो भाई बीसीसी टाइप लैटिस के लिए, ठीक आ गया ना कोई, ए बाई आर क्या आ गया, ए बाई टू रूट टू, और आर क्या आया था, ए बाई रूट टू। अब बताओ क्या हमारे पास, ठीक है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है बात। तो भाई यहाँ पर देखो भाई मैं आपको बताऊँ, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर बताओ क्या होता है, बोलो बताओ पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, अरे भाई बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर बताओ पार्टिकल्स कहाँ बैठे होते हैं, कहाँ पर, कॉर्नर पे, कॉर्नर पे होते हैं, और उनके अलावा कहाँ पर होते हैं, बॉडी सेंटर में। और मैं आपको बताऊँ भाई, और मैंने आपको पढ़ाया था ना कि अगर आपने यहाँ पर जो एटम है ना तो टच करते इसके लोंग, ना है वो टच करें फेसिस के लोंग भाई, वो तो कहाँ टच करते हैं, इस डायगोनल के लोंग, कौन सी भाई, अरे बोलो भैया क्या हुआ ये, इस डायगोनल के लोंग क्या होंगे, टच करेंगे, नहीं बता आपको पहले बड़ी, मतलब हमारे पास एक क्यूब है, अरे मान लो क्यूब के दो कॉर्नर ये हैं और दो कॉर्नर ये हैं भाई, क्यूब के क्या हैं, दो कॉर्नर दो कॉर्नर दो कॉर्नर दो कॉर्नर, तो इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक क्या होगी, जो तो क्यूब के छत वाला, क्यूब की छत वाला एक कॉर्नर, फर्श का अपोजिट कॉर्नर, उसके डायगोनल के लोंग क्या करते हैं, एटम्स। अब बना के देख लो, मैंने आपको पढ़ाया था भाई एटम टच करते हैं, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, यानी अब की बारी ये तीन एटम यहां पर जो एटम आएगा ये और ये क्या करेंगे आपस में, टच करेंगे भाई, इजंट इट, बताओ कैसे, क्या ये ऐसे नहीं है हमारे पास ये, अरे बोलो भाई इस डायगोनल के लोंग क्या भाई, तो अगर मैं इस दूरी का, अगर मैं इस दूरी का हाफ कर देता हूं तो मेरे पास क्या जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी, तो बताओ क्या भाई, तो बताओ ये डायगोनल आप कैसे निकालोगे, आप ही बताओ भाई ये डायगोनल का तरीका क्या है, पहले आप निकाल लो ये डायगोनल, नहीं पहले आप मुझे बताओ, पहले आप मुझे ये बताओ, आपने मेन डायगोनल निकाल देना ये, अब ये साइड क्या है, ये साइड क्या भाई, सारी साइड क्या है, ए होंगे भाई, तो बताओ फर्श के ऊपर ये जो डायगोनल है, जो फर्श डायगोनल है इसके भी बताओ दूरी क्या आएगी, ये इसको मैंने क्या बोल दिया, बोलो भाई बताओ इसको मैंने क्या बोल दिया, बताओ भाई, अरे बोलो भाई ए, चलो इसको मैंने क्या बोल दिया भाई, ए बी और सी, ठीक है तो बताओ क्या आएगा, तो ए बी क्या होगी स्मॉल ए, बी सी भी क्या होगी स्मॉल ए, तो ए सी स्क्वायर क्या होगा, तो इस पैरेललोग्राम में ये डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो क्या आएगा ए सी स्क्वायर, क्या आएगा हमारे पास ए स्क्वायर आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अब बताओ ए बी स्क्वायर कितना है, ए बी कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी सी भी कितना है, ए स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर क्या आएगा मेरे पास टू ए स्क्वायर, ए सी कितना आ गया मेरे पास रूट टू ए,
तो ये साइड मेरे पास क्या आ गई, रूट टू आ गई ना भाई, मैं समझ बात अब, ये साइड मेरे पास क्या रूट टू है। अब एक्शन टेस्ट कहां करते हैं, इससे लेके इस तक, अरे बोलो भाई, इस डायगनल के अलोंग क्या करते हैं, छत का और फर्श का अपोजिट कॉर्नर, इसके अलोंग क्या करेंगे, एटम टच करेंगे ना भाई, मुझे इसका हाफ करना होगा, तो ये भी तो एक क्या बन गई, रेक्टेंगल। अरे भैया नजर नहीं आ रही, लेकिन वास्तव में ये ऐसे प्लेन में ही वाला, बताओ। तो एक दो और तीन, तो ये साइड तो क्या है, ए, ये तो एक तरह से एज क्या हो गया, यूनिट सेल का, और ये क्या हो गया, यूनिट सेल के फेस पे डायगनल, ये क्या होता रूट टू, और ये क्या आ गया फिर मेरे पास, तो भाई इसमें डी बोल दिया, क्या बोल दिया मैंने इसको, तो डी सी स्क्वेयर क्या है, डी सी स्क्वेयर, तो बताओ डी सी स्क्वेयर क्या आएगा मेरे पास, हम क्या बोलेंगे, ए डी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। अब बताओ ए डी स्क्वेयर कितना होगा, ए डी, ए डी कितना होगा, ए डी ए होगा, तो ए स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर कितना होगा, ए सी स्क्वेयर, सर टू ए स्क्वेयर क्या आएगा, अरे ए सी स्क्वेयर टू ए स्क्वेयर, अरे ए सी क्या है रूट टू ए, तो टू ए स्क्वेयर आ गया ना, तो डी सी स्क्वेयर क्या आ गया मेरे पास, थ्री ए स्क्वेयर, डी सी कितना आ गया रूट थ्री ए, कितना आ गया रूट थ्री, इसका मतलब क्या भाई, ये डायगनल क्या बताओ रूट थ्री ए, रूट थ्री ए, तो डी सी क्या है रूट थ्री ए है, तो इसका हाफ क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तुम क्या बोले तो हम क्या बोलेंगे, मतलब डी क्या होगा, डी सी का हाफ, अब डी सी कितना है रूट थ्री ए है, तो रूट थ्री ए बाई टू क्या आ गया मेरे पास, डी आ गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब बताओ भाई डी और क्या होता है, टू आर भी तो होता है, अब आर क्या होता है, आर क्या होता है, डी बाई टू, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है भाई, टू आर भी तो होता है, तो टू आर क्या गया मेरे पास, तो भाई आर क्या गया मेरे पास, डी बाई टू होता है, तो ये पूरी वैल्यू पुट करें यहां पर भाई, रूट थ्री ए बाई फोर आ गया ना, तो रूट थ्री ए बाई फोर तो क्या आ गया रेडियस, और थ्री बाई टू क्या आ गया भैया, आप ये क्वेश्चन मैं आपको दूं, बार महीने लगते नेट में भी क्वेश्चन आए इसके ऊपर, इतना भाई क्या बोलते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन क्वेश्चन आते भी हम क्या करें इसके ऊपर, आ गया नहीं आपको, ये आ गया आपको सॉल्व करने भी, क्वेश्चन बताओ क्या, और इसके ऊपर बताओ क्या, द एज लेंथ ऑफ द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ, बोलो भाई ऑफ 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 एन एलिमेंट इज ए, बताओ भाई कहता है कि किसी की एज लेंथ क्या, बताओ भाई ये कहता है किसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की एज लेंथ क्या, ए है, रेडियस ऑफ द एटम यूज्ड विल बी, बताओ बताओ भाई रेडियस ऑफ द एटम यूज्ड विल बी, ये कहता है किसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की एज लेंथ ए है, तो फेस तो आप बताओ क्या पूछा आपने इसने आपसे, रेडियस, रेडियस क्या होता है हमेशा डी बाई टू होता है ना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का हाफ कर दो, इजंट इट, और डी क्या आएगी बताओ, फेस सेंटर्ड, मैंने आपको पढ़ाया था फेस सेंटर्ड में क्या थी रूट टू बाई, हाँ ए बाई रूट वाई थी ना, ए बाई ए बाई रूट टू आ गई, समझे बात, क्योंकि भाई क्योंकि टू रूट टू ए क्या था है ना, ओके आ गया ना, तो क्या ए बाई क्या गई, हाँ डी डी क्या गई, ए बाई रूट टू आ गई, तो आर क्या होता है, ये यहाँ पुट कर क्या गया मेरे पास, ए बाई टू रूट टू, नहीं आया क्या ए बाई टू रूट टू, आपने सॉल्व भी कर रखा था, ये आर के ए बाई टू रूट टू आ गया ना, नहीं आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।